हेलो एवरीवन, कल हम बीएससी फर्स्ट ईयर में पेपर सेकंड के अंतर्गत रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमने परसों बताया था ब्रोंकियोल्स, स्टेजाइट्स यानी गिल्स कवर्स क्या होते हैं, एपिपोडाइट्स बताए थे, उसके बाद गिल्स बताया था। गिल्स के में तीन टाइप के होते हैं, पोडोग्रांच, आर्थ्रोब्रांच, प्लूरोब्रांच। उसके बाद हमने परसों जो डिस्कस किया था ब्रोंकियल फार्मूला, जिसमें हमने जो एपिपोडाइट, पोडोब्रांच, आर्थ्रोब्रांच, प्लूरोब्रांच का जो पोजीशन थी, किस लेग्स में या किस अपेंडिक्स में कौन कौन सा प्रेजेंट होता है, उसको बताया था। उसके बाद कल हमने जो बताया था स्ट्रक्चर ऑफ गिल्स, गिल्स के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था एक जो। उसके बाद हमने बात की थी ब्लड चैनल्स, ब्लड चैनल्स के बाद हमने टीएस ऑफ गिल्स को डिस्कस किया था। अगर हम गिल्स के टीएस काटें तो किस टाइप का सब स्ट्रक्चर दिखता है। उसके बाद हमने बात की थी ब्लड सप्लाई इन ए गिल्स, गिल्स में ब्लड की सप्लाई किस तरीके से होती है, कौन कौन सी आर्टरी तथा वेंस होती हैं जो ब्लड को पूरी बॉडी में रेगुलेट करती हैं। आज हम बात करते हैं गिल चैम्बर्स ऑफ पेलिमो। मतलब जो आपका पेलिमोन है उसमें गिल एक चैम्बर में कवर्ड रहते हैं। वो चैम्बर किस तरीके से होता है, उसमें गिल्स की पोजीशन क्या क्या होती है, उसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, फर्स्ट का एपिपोडाइट, ये किस में है, फर्स्ट वाला पार्ट। इसमें एपिपोडाइट जो था वो फर्स्ट मैक्सिलिपिड में प्रेजेंट था। सेकेंड मैक्सिलिपिड में एक एपिपोडाइट तथा एक पोडोब्रांच था। थर्ड मैक्सिलिपिड में एक एपिपोडाइट यानी इस वाले पार्ट में और दो आर्थ्रोब्रांच प्रेजेंट थे। और जो बॉकिंग लेग्स थे उनमें यानी बॉकिंग लेग्स जो थे 1-5, ये इसमें क्या था, प्लूरोब्रांच प्रेजेंट। ये कितने थे नंबर में, 1-5, ये कितने थे, 1-3। बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म क्या होती है। प्रत्येक मैग्जिला का एक्सोपोडाइट मॉडिफाइड होकर गिनोथाइट बनाता है। यह है गिल जीव चैम्बर के अंदर अग्रसिरे की तरफ स्थित होता है। इसी की लगातार गति द्वारा पानी गिल चैम्बर्स के एंटीरियर एंड से पानी अंदर आता है। इस काम में तीनों मैक्सिलिपिड के एक्सोपोडाइट भी हेल्प करते हैं। गिल चैम्बर में फ्रेश वाटर पीछे से एक करंट के रूप में प्रवेश करता है और गिल कवर, गिल तथा एपिपोडाइट को गीला करता है यानी उसको मॉइस्ट करता है, गीला करता हुआ आगे बढ़ता है। यही पर ब्लड और पानी के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है। आदान प्रदान से मतलब जो वाटर में वाटर करंट के साथ जो ऑक्सीजन आती है वो किसमें, जो उसका ब्लड होता है
ब्लड में मिक्स हो जाती है, और जो ब्लड में CO2 होती है वो किस में रिलीज कर दी जाती है? वाटर में, जिसमें पानी में घुली ऑक्सीजन ले ली जाती है और CO2 छोड़ दी जाती है। यही CO2 पानी के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाती है। तो आज हमने इसमें इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस किया। अब हम तो न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, नर्वस सिस्टम ऑफ पेलिस, जिसका कि आपको प्रैक्टिकल में क्राउन का डिसेक्शन करना है, इसका नर्वस सिस्टम निकालना है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। ये आपके थ्योरी में भी है और आपके प्रैक्टिकल का भी पार्ट है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी पूरी संरचना। जैसे आप देख रहे हैं, ये इसका सेफेलोथोरैक्स वाला रीजन है, ये एब्डोमन वाला रीजन है। ये कहलाते हैं सेफेलोथोरैसिक गैंग्लियन, नर्व्स, क्योंकि इससे पहले रीजन निकलती हैं। उसके बाद ये जो थोरैक्स से निकलती हैं, थोरैसिक एब्डोमन से निकलती हैं, एब्डोमिनल गैंग्लियन्स। अब इसको एक बार डिस्कस करते हैं। इसमें आप देख रहे हैं ये ब्लू कलर से जो आप देख रहे हैं, ये आपका रोस्ट्रम वाला पार्ट है। इसमें ये ब्लू कलर का सुपरा फेरेंजियल गैंग्लिया होता है, ये वन पेयर होते हैं, ये आपस में मिलकर फ्यूज होकर ब्रेन की फॉर्मेशन करते हैं। सुपरा फेरेंजियल गैंग्लियन से ये जो आईज वाला इस आई स्टॉक है, इसके लिए ऑप्टिक नर्व निकलती है आईज के लिए, और इसका जो आई स्टॉक है उसके लिए ऑप्थैलिक नर्व निकलती है। यहीं से ही एंटीनी के लिए एंटीनरी आर्टरी और एंटीनरी नर्व, जैसा आप देख रहे हैं ये वाले एंटीनरी नर्व एंटीना के लिए निकलती है। ये जो है मिड पोस्टेरियर नर्व, ये सरकम फेरेंजियल कमिश्योर, ये वाला जो पार्ट है ये कहलाता है विसरल गैंग्लिया। ये आपका है कमिश्योर गैंग्लियन, यहाँ पर टेगमेंटल नर्व जो इसके टर्गम को जाती है, नीचे की तरफ ये ट्रांसवर्स कनेक्टिव, कमिश्योर और कनेक्टिव। इसमें जो कमिश्योर होती है वो डिफरेंट गैंग्लियन को मिलाती है, कनेक्टिव सेम गैंग्लियन को मिलाती है। इसके नीचे की तरफ ये जो एक मास इकट्ठा हो जाता है, ये कहलाता है सबफेरेंजियल गैंग्लियोनिक मास, जो कि ट्राइंगुलर शेप में दिखता है। इससे जो नर्व्स निकलती हैं वो कहाँ कहाँ जाती हैं, मैंडिबुलर के लिए मैंडिबुलरी नर्व, मैगजिला के लिए मैगजिलरी नर्व। उसके बाद जो नर्व निकलती हैं, जो मैगजिलिपीड्स होते हैं इसमें, वो नर्व्स टू फर्स्ट मैगजिलिपीड, उसके बाद निकलती है मैगजिलरी नर्व, उसके बाद नर्व टू थर्ड मैगजिलिपीड, नर्व टू सेकंड मैगजिलिपीड, सेकंड फर्स्ट के लिए निकलती है, उसके बाद सेकंड के लिए निकलती है, थर्ड के लिए निकलती है। उसके बाद फाइव पेयर जो बाईफर्केटेड नर्व्स निकलती हैं, किसके लिए? वॉकिंग लेग के लिए, जो इसमें वॉकिंग लेग्स होते हैं उसके लिए फाइव पेयर बाईफर्केटेड
नर्व्स निकलती हैं, वो कहाँ से निकलती हैं? इसके जो थोरेक्स वाले पार्ट में जो एक मांस होता है, इसको हम बोलते हैं वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मांस। उससे फाइव पेयर बाइफर्केटेड यानी दुशाखित दो भागों में बटी हुई नर्व निकलती हैं वॉकिंग लेग के लिए। इसके नीचे की तरफ हम चलते हैं यानी एब्डोमिनल वाले पार्ट में, तो एब्डोमन में जो अपेंडेजेस बांधे जाते हैं इनको भी हम एब्डोमिनल अपेंडेजेस कहते हैं। उसमें सिक्स पेयर, ये सिक्स जिनमें फाइव पेयर एब्डोमिनल गैंग्लियन से इनके पीलिया पोर्ट के लिए नर्व निकलती है, और जो लास्ट वाला जो सेगमेंट है जिसको कि हम स्टीलेट गैंग्लियंस बोलते हैं, इससे जो नर्व निकलती हैं इसके टेल वाले रीजन को निकलती है। नीचे की तरफ ये कहलाता है एरोपोर्ट। इसके जो एब्डोमिनल सेगमेंट्स हैं उससे ये तीन तीन शाखों में बटी हुई जो नर्व्स हैं, इसका जो फर्स्ट पार्ट है नर्व टू पिलियोपोड, नर्व टू एक्सटेंसर, नर्व टू मसल फ्लेक्सर मसल, मतलब किस में निकलती हैं पिलियोपोड के लिए, एक्सटेंसर के लिए और मसल फ्लेक्सर के लिए। लास्ट में होता है इसमें स्टीलेट। तो हम इसके नर्वस सिस्टम की बात करें, एक ये स्ट्रेट लाइन में दिखता है। जब हम आप लोग इसका डिसेक्शन करेंगे तब इसको देखेंगे। एक बार इसका और डायग्राम देख लीजिएगा। तो बच्चों आज हमने मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, उसके बाद नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया। कल हम नर्वस सिस्टम के आगे के पार्ट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।